नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप लिखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन नाइन न्यूज। तीसरी सूची के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस अब तक 95 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। तारानगर सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद नरेंद्र बुढ़ानिया को टिकट दिया है, जो बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ को टक्कर देंगे। सूची में कुल 13 विधायकों के नाम शामिल है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 19 लोगों को जगह मिली है। इस लिस्ट में सचिन पायलट के कई समर्थकों को जगह दे दी गई है। विधायक हरीश मीणा, राकेश पारिक, गजराज खटाना को मौका मिला है। इस लिस्ट में 2 महिला विधायकों को मैदान में उतार दिया गया है। सबसे चर्चित चेहरे धौलपुर से भाजपा की विधायक रही शोभा रानी कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। बगरू से विधायक गंगा देवी को मैदान में उतार दिया गया है। इस लिस्ट में ज्यादातर नाम पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब तक कांग्रेस ने 95 नामों को जारी कर दिया है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट देखने के बाद अब तक कुल 14 महिलाओं को टिकट दिया जाना, जिनमें ज्यादातर अभी विधायक भी हैं। कांग्रेस की इसी लिस्ट में उम्रवार अगर देखें तो 50 साल की औसत उम्र है। इस लिस्ट में 6 सुरक्षित सीटों पर उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है जो पिछले चुनाव लड़ चुके हैं या ज्यादातर विधायक हैं। इस लिस्ट में 4 मीणा, 1 गुजर, 1 मुस्लिम, 3 ब्राह्मण, 3 जाट, 4 दलित और 1 कुम्हार को अवसर दिया गया है। ये जातीय समीकरण है टिकटों का, जिस आधार पर कांग्रेस अपनी टिकट बांट रही है। कांग्रेस सभी जातियों को साधने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। अभी तक आई हुई लिस्ट में सभी चेहरे उन सभी जातियों को साध रहे हैं जो कांग्रेस अपने हिसाब से पहले भी बेहतर रही है। यानी कांग्रेस जिन चीजों में पहले बेहतर रही है उन्हीं जातियों को वापस वो साधती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों से पहले लगातार ईडी की कार्रवाई के बीच यहाँ पर तीसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी जो है अपनी कर दी है। बाकी और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन9 न्यूज। धन्यवाद।